classes. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रिजोल्यूशन किस तरह से वेक्टर स्टडी में हमारी हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 37 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। तो हम अगर इसका रिजोल्यूशन करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जिस तरफ एंगल हमें गिवन होता है उधर हम कॉस का यूज करते हैं, इसलिए 10 cos 37 इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा। और अगर हम इस वेक्टर का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देखेंगे तो वो 10 sin 37 होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो क्योंकि अब हमारे पास ये जो दो कंपोनेंट्स हैं वो इस वेक्टर के ही हैं, तो इस वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये रिजल्टेंट है दो ऐसे वेक्टर्स का जिनके मैग्नीट्यूड 10 cos 37 और 10 sin 37 है। 10 cos 37 एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं 10 cos 37 i कैप प्लस 10 sin 37 जे कैप। ये वेक्टर ए को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और अगर हम चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 4 बाय 5 i कैप प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 5 जे कैप। और इस तरह से हमें वेक्टर ए पता चल गया 8 i कैप प्लस 6 जे कैप। तो इस तरह से वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं, और कंपोनेंट रिजॉल्व करके हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये एक अल्टरनेट तरीका पता चल गया, इसे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं किसी भी जनरल वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हमने यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन में ये डिफाइन किया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ के कैप होता है। लेकिन अगर हमें इन तीनों डायरेक्शंस के अलावा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की जरूरत है तो हम क्या करेंगे? तो हम फिर से एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, और एक्स वाई प्लेन में हम एक वेक्टर लेते हैं एफ। मान लिया ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स और ये 53 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। अब अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएं तो बिल्कुल पहले की तरह एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा 15 cos 53 और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ होगा 15 sin 53। अगर हम फिर से इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर f इक्वल्स टू 15 cos 53 i कैप प्लस 15 sin 53 j कैप। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे हम, वेक्टर f इक्वल्स टू 15 cos 53 होता है 3 by 5 i कैप 15 4 by 5 जे का। वेक्टर एफ को हम लिख सकते हैं 9 i कैप प्लस 12 जे का। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब अगर हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन तो एफ वेक्टर की तरफ हो बट मैग्नीट्यूड उसका 1 हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है जिसे हम एफ कैप कह सकते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं, जिसे हम f कैप कह सकते हैं। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा।
तो किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो जो रिजल्ट वेक्टर हमें मिलता है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, उसके पास डायरेक्शन अवेलेबल हो जाता है और साथ ही साथ वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस भी हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिल जाता है जो उस पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो। तो अगर हमारे पास 9i कैप + 12j कैप एक वेक्टर है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं 9² + 12² क्योंकि ये दोनों कॉम्पोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नीट्यूड हमें इसका 15 यूनिट मिलेगा। तो अगर हम इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व करके आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिख लेना चाहिए और उसके बाद अगर हम इसको इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि एक यूनिट वेक्टर होगा और पैरेलल टू वेक्टर एफ होगा। तो अगर हम इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें ऐसा मिलेगा वेक्टर एफ इक्वल्स टू 9i कैप + 12j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 15। हम चाहे तो इसे स्प्लिट करके डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, 9 / 15i कैप + 12 / 15j कैप यहां पे कैप होना चाहिए क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इस यूनिट वेक्टर से हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? इस यूनिट वेक्टर से हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक वेक्टर ऐसा पता है जो यहां से 53° एंगल पे इंक्लाइंड है। अब अगर हमें पता हो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस वेक्टर के पैरेलल ट्रैवल कर रहा है जिसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ और हो, जैसे 20 यूनिट हो, तो अगर हम उस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 20 यूनिट के मैग्नीट्यूड को हम एफ कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से 20 यूनिट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और साथ ही साथ उसे एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा। इसको हम वेरीफाई करने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर v, वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए 30 m/s और साथ ही साथ हमें यह पता है कि ये जो वेक्टर v है वो f वेक्टर के पैरेलल है जो अभी अभी हमने इसके पहले प्लॉट किया था और इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, i कैप j कैप एंड k कैप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूनिट वेक्टर की हेल्प से ये अचीव कर सकते हैं। कैसे? तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है 30 m/s और F फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए 30 से मल्टीप्लाई होकर ये वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा और साथ ही साथ ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है तो वेलोसिटी वेक्टर के डायमेंशंस और यूनिट को भी ये अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड यूनिट इसका जो है वो m/s ही रहेगा। वेक्टर फॉर्मेट प्रोवाइड करने के लिए एफ कैप जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। तो वेक्टर v 30 / 9 / 15i कैप + 30 / 12 / 15j कैप। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वेक्टर v 2 × 9 = 18i कैप + 24j कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम इसके कॉफिशियंट्स को स्क्वायर कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, रूट ले लेते हैं, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 m/s ही मिलेगा। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन उसे एक डायरेक्शन पता चल गया, उसे एक डायरेक्शन मिल गया जो कि हमें पता था एफ वेक्टर के पैरेलल था। तो यूनिट वेक्टर का यूज करके और रेजोल्यूशन का यूज करके हम ये चीजें, ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और आगे वेरियस फेनोमेनन में हेल्प मिलती रहेगी हमें, इसे नोट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वेक्टर रेजोल्यूशन का यूज करके मल्टीपल वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, 3, 4, 5 हो जाए तो दो वेक्टर्स का जो फॉर्मूला था हमारे पास उससे रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि पहले दो को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, फिर तीसरे के साथ एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक
लेंथी सा कैलकुलेशन उसके अंदर डेवलप होगा। तो हम उस अप्रोच का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम हमेशा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का यूज करेंगे मोर देन टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो फिर से हम एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं। एक वेक्टर हमारे पास ए है जिसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं 10 यूनिट्स और ये यहां 37 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। एक दूसरा वेक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड होगा 5√2 यूनिट और ये यहां से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। अब अगर हम इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिलहाल दो का करते हैं फिर हम तीन में भी इसे प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा हमें इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाने होंगे। कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें इस वेक्टर का एक कंपोनेंट मिलेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसे हम लिख सकते हैं 10 cos 37 और cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, इसे अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ये मिलेगा 8 यूनिट। दूसरा कंपोनेंट हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा और इधर वाले कंपोनेंट को लिखने के लिए हमें sin 37 का यूज करना पड़ेगा और ये हमें मिलेगा 10 sin 37। साइन 37 अगर हम 3/5 यूज करेंगे तो 10 × 3/5 ये हमें मिला 6 यूनिट। तो दो कंपोनेंट्स हमें 10 यूनिट और 6 यूनिट के पता चल गए। जब आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं तो आप उस वेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे, उसके रिजॉल्व पार्ट पे ही फोकस करेंगे। वैसे ही बिल्कुल हम इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो इसका एक कंपोनेंट तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा और इसे लिखना होगा 5√2 sin 45। वैसे तो 45 साइन कॉस दोनों में सेम होता है लेकिन जो एंगल हमें गिवन है उसके हिसाब से हम इसमें यहां पुट कर रहे हैं। तो जिधर एंगल गिवन होता है उस तरफ वाला कंपोनेंट हमेशा हम कॉस में लेते हैं, तो इधर वाला कंपोनेंट होगा 5√2 cos 45। cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है इसलिए ये √2 यहां से कैंसिल होगा और ये हमें मिल जाएगा 5 यूनिट। मतलब इसके दोनों कंपोनेंट्स 5 यूनिट और 5 यूनिट के हो गए। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने इनके ही दो कंपोनेंट्स बना लिए हैं, ये दोनों इस वेक्टर के ही पार्ट्स हैं, वैसे ही ये दोनों इस वेक्टर के ही पार्ट्स हैं, इन दोनों से मिलके ही ये बना हुआ था। अब हमारा जो कंप्लीट कैलकुलेशन है इन चार वेक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा और हम स्पेशल केसेस का यूज करेंगे। ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड और हमें पता है जब दो वेक्टर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं तो उनमें बड़े वाले में से हम छोटे वाले मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं, तो 6 − 5 एक 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर हमें मिला 1 यूनिट जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा। वैसे ही हमारे पास एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरा नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो 8 − 5 करेंगे हम तो हमें 3 यूनिट का एक कंपोनेंट मिलेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो फाइनली हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया गया कर देगा क्योंकि जो सारे कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इनके ही कंपोनेंट्स का यूज करके कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहां से 9 + 1√10। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट हमें फाइनली मिला वो √10 यूनिट का मिला। हम चाहे तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो इसके डायरेक्शन के लिए एंगल भी बता सकते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल जानना चाहते हैं तो tan अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1/3, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 लिखा जा सकता है, और अगर हम वाई एक्सिस के साथ एंगल जानना चाहते हैं तो tan बीटा इक्वल्स टू 3 × 3/1 एंड बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 लिखा जा सकता है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का ये जो रिजल्टेंट मिला है इसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे, मतलब i कैप j कैप के फॉर्मेट में लिखना चाहे और साथ ही साथ इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बनाना चाहे तो भी हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे हमें पता चल गया r वेक्टर 3 यूनिट का कंपोनेंट पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, 3 i कैप 1 यूनिट का कंपोनेंट पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, तो 1 j कैप जिसमें हम सिंपली j कैप लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर हम इसके अलावा यूनिट वेक्टर जानना चाहते हैं मतलब r कैप डिसाइड करना चाहते हैं तो r कैप डिसाइड करने के लिए हम 3 i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r जो पिछले फॉर्मूले में लिखा हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी अभी डिसाइड किया जो √10 यूनिट आया उसे हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इस तरह से हमें एक यूनिट वेक्टर भी मिल गया इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के पैरेलल। तो इस तरह से रिजोल्यूशन का यूज करके हम मल्टीपल वेक्टर्स का
रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स होते, एक इधर होता, तो हम सभी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाते और सभी वेक्टर्स के पैरेलल कंपोनेंट्स को ऐड करते, ऑपोजिटली डायरेक्टेड कंपोनेंट्स को, मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते और फाइनली इस तरह से रिजल्टेंट प्रोसीड करते। आप इसे नोट कर सकते हैं। तीन वेक्टर्स का एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं कि तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम एक्स वाई प्लेन में प्रोसीड करेंगे चीजों को। हमारे पास एक वेक्टर है 5√2 यूनिट और ये यहां 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। एक वेक्टर हम और कंसिडर कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और ये यहां 37 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। और एक और वेक्टर हम ले लेते हैं जो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड हुआ इस तरफ, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं 2 यूनिट। अब हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हो गए और हम इन तीनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। फटाफट सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इस वेक्टर पे फोकस करेंगे और इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, 5√2 cos 45, cos 45 1/√2 होता है इसलिए मैग्नीट्यूड हमें 5 मिला। दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा और इधर भी ये 5√2 sin 45 होगा। sin 45 को 1/√2 पुट करें तो दूसरा कंपोनेंट भी हमें 5 यूनिट का ही मिला। उसके बाद हम इस वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। मैं किसी और कलर का चौक यूज कर लेता हूं। तो 5 यूनिट का जो एक कंपोनेंट होगा वो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा, क्योंकि एंगल हमें इस तरफ गिवन है इसलिए हम यहां पर cos 37 का यूज करेंगे। तो 5 cos 37 4/5 होता है इसलिए इसका जो फाइनल होगा कैलकुलेशन में 4 यूनिट का होगा। दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा और इसे हम 5 sin 37 का यूज करके लिखेंगे। साइन 37 3/5 होता है और फिर यहां हमें 3 यूनिट का एक कंपोनेंट मिला। और जो दूसरा वाला है उसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है तीसरे वाले को, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। अब इस कैलकुलेशन को फाइनली हम परफॉर्म कैसे करेंगे? ये जो दो वेक्टर्स हैं 4 and 5 यूनिट के मैग्नीट्यूड वाले, ये दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए हमें इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। 4 + 5 = 9 और ऑपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर 2 यूनिट को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो हमें फाइनली एक वेक्टर मिला जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और 9 - 2 ये 7 यूनिट का होगा, 5 यूनिट एंड दिस वन इज 3 यूनिट। तो 5 - 3 हमें डायरेक्टली कर देना चाहिए तो 2 यूनिट का हमें एक दूसरा कंपोनेंट पता चल गया। तो जो फाइनल रिजल्टेंट है वो इन दोनों का ही रिजल्टेंट होना चाहिए और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हो गए। और मैग्नीट्यूड के लिए हम 49 + 4 का यूज कर सकते हैं, 53 यूनिट हमें रिजल्टेंट पता चल गया। और बाकी जो फर्दर चीजें हैं, एंगल अगर हम जानना चाहते हैं अल्फा, तो टेन अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं 7/2 और अगर ये एंगल बीटा तो टेन बीटा के लिए हम लिख सकते हैं 2/7 यूनिट। तो इस तरह से हम इंक्लिनेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी रिजोल्यूशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजोल्यूशन की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें आगे चल के आने वाले चैप्टर्स में इसकी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। कॉपी कर सकते हैं सर। अब हम सेम कंपोनेंट्स वाली बात को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर a इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर है जो पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग तीन कंपोनेंट का एडिशन है जिसके मैग्नीट्यूड्स x, y एंड z हैं। तो इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है इस पे हम फोकस करेंगे। हम कोशिश करते हैं थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनाने की।
एक हम क्यूबॉइड बना लेते हैं, इसमें एक साइड के अलोंग हम एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, एक साइड के अलोंग हम वाई एक्सिस, और ये जो सामने की तरफ साइड है इधर हम जेड एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो हम इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे। एक्स आई कैप मतलब एक ऐसा वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, हम उसे यहां पर बना लेते हैं, लिख लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स आई कैप। दूसरा कॉम्पोनेंट है वाई जे कैप, वाई जे कैप y एक्सिस के अलोंग होता है, y j कैप हो गया। और तीसरा कॉम्पोनेंट है z k कैप, ये z एक्सिस के अलोंग होना चाहिए और यहां हमने z k कैप लिख लिया। अब अगर इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेंगे तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, और यही हमारा थ्री डायमेंशनल वेक्टर a होगा। इस क्यूबॉइड के एक कॉर्नर से डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर को कनेक्ट करने वाला वैक्टर, ये हमें मिला ए वैक्टर। तो कुल मिला के अगर हमें थ्री डायमेंशनल वेक्टर का लोकेशन समझना हो तो हम रूम का एक कॉर्नर ले सकते हैं किसी भी, और रूम के उस कॉर्नर को ओरिजिन मान के उसके डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर को कनेक्ट करने वाला वेक्टर थ्री डायमेंशनल वेक्टर होगा, और उसके थ्री जो डायमेंशंस होंगे रूम के वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ एक्स कॉम्पोनेंट, विड्थ और हाइट वाई कॉम्पोनेंट, और जो थर्ड डायमेंशन हो गया वो जेड कॉम्पोनेंट होगा। बाकी जो कैलकुलेशंस हमने प्रोसीड किया था यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए भी हम सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें इसकी तरफ एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ए कैप की रिक्वायरमेंट है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात करें तो क्योंकि ये तीनों कॉम्पोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो सिमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करते हुए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन की। इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीन एंगल्स का यूज करते हैं। ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसमें एक सेल्फ इमेजिनेशन की जरूरत होती है। आप इस लाइन का इन तीनों एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन इमेजिन कर सकते हैं। और थ्री डायमेंशनल वेक्टर के अल्फा बीटा और गामा के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम कोसाइन का यूज करते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम देखते हैं एक बार कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है। अगर हम कॉस अल्फा लिखना चाहें तो कॉस अल्फा होता है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा हमारे पास सिमेट्रिकली मिलेगा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर हम कॉस गामा की बात करें तो कॉस गामा के लिए लिख सकते हैं z डिवाइडेड बाय वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमेट्रिकल है, आपको याद करना आसान रहेगा। कॉस अल्फा अगर हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूमेरेटर में हम x वाले कंपोनेंट को लेंगे और डिनोमिनेटर में कंप्लीट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और क्योंकि ये तीनों एंगल्स हमें डायरेक्शन बताते हैं इसलिए कलेक्टिवली इनका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा डीसीज भी शॉर्ट में कहे जाते हैं। तो जहां कहीं भी डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात होगी या डीसीज के बारे में बात होगी तो ये अंडरस्टूड होता है कि हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के इक्वेशंस लिखने हैं और उनसे आगे कैलकुलेशंस प्रोसीड करना है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिलता है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा। कॉस अल्फा अभी हमने लिखा था न्यूमिरेटर में एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
z square divided by x square plus y square plus z square. डिनोमिनेटर कॉमन है और इसलिए हम कॉमन करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें सेम मिलेगा और वैल्यू मिलेगी 1. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में यूज भी करते हैं. जैसे अगर आपको किसी 3D वेक्टर के साथ एक्स और वाई एक्सिस वाले एंगल पता हो और आपसे कहा जाए जेड एक्सिस के साथ कौन कौन से एंगल्स बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो हम इस इक्वेशन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे कहा जाए एक वैक्टर है वो 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो जेड एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, तो हम यहाँ 45 यहाँ पर 60 यूज कर सकते हैं और उससे हमें कॉस अल्फा की वैल्यू मिलेगी, कॉस गामा की वैल्यू मिलेगी सॉरी, और कॉरेस्पॉन्डिंग गामा का मैग्नीट्यूड भी हमें पता लग जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट कर सकते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का समेशन हमेशा ही 1 होता है. एक और बात हम इसको प्रोसीड करके डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और अभी अभी राइट हैंड साइड में हमने डिसाइड किया इसकी वैल्यू 1 होती है. अगर हम यहां से और यहां से माइनस साइन कॉमन कर लें तो 1 + 1 + 1 3 मिलेगा हमें, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होगा. अगर हम इस कंप्लीट ब्रैकेट को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये उधर जाके पॉजिटिव और ये 1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 3 - 1 को हम 2 लिख देंगे. तो फाइनली एक और रिजल्ट हमें मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2. तो कभी कभी डायरेक्टली हमें ये इक्वेशन भी क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है. तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइन के स्क्वायर के समेशन की वैल्यू 2 होती है. तो ये हमें थोड़ा सा 3D वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पता चला और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिनका हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे. आप इसे कॉपी कर सकते हैं. और भी बहुत सारी डिटेल्ड बातें होती हैं इन टर्म्स, इन क्वेश्चंस और इन इक्वेशंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, ये हम आगे जब फुल लेंथ वीडियोस बनाएंगे फुल टर्म कोर्सेज के लिए तब हम उसमें बात करेंगे. फिलहाल हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन इक्वेशंस का यूज देखेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे. अब हम कल बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स के बारे में. थैंक यू.